अब बता, ये गीजर का आउटर पार्ट, अब इसको रोटेट करो पीछे से। ये हैंगिंग साइड ब्रेंग होता है, ये हैंगिंग साइड और ये अंदर इंटरनल अकड़ा करो, अंदर देखो इंटरनल टैंक, ये इंटरनल टैंक खोल के दिखाई दे रहा है कॉलेज में। सर जी आप देखो जल्दबाजी कर रहे हो, देखो देखो ये पानी आ रहा है। ये इसका एलिमेंट पार्ट, क्या पे रुक के खोल दे, क्या रुक के ऊपर के खोल के साइड के खोल के हटा दे। ये एलिमेंट, एलिमेंट ये वाला है, ये इसको होजिंग बोलते हैं, इनलेट आउट हो गया एलिमेंट। ये इनलेट, ये थर्मोस्टेट पाइप, ये हां ये इनलेट पाइप है। ये इनलेट पाइप, ये आउटलेट है, आउटलेट पाइप हमेशा किचन में बड़ा होता है ताकि ड्राई नहीं हो। ये आउटलेट पाइप, इंडिकेटर और वायरिंग हो गया। ये गीजर की वायरिंग, सब सीरीज में लगे हुए हैं। ये न्यूट्रल वायर, ये फेज वायर, ये थर्मोस्टेट, ये सेकंड थर्मोस्टेट, इसको टीपी बोलते हैं, ये टीपी कनेक्टर, हाँ इसको टीपी बोलते हैं। ये दो वायर कटआउट है, कटआउट होता है, थर्मोस्टेट होता है, जो आइटम होता है ये। ये दोनों वायर एलिमेंट के, ये रहा, ये दोनों वायर एलिमेंट, ये एलिमेंट ये एलिमेंट के और ये अर्थिंग वायर, ये इसको खाली करो, सुखा इसको, उठा कर। ये इसकी एलईडी बोल लेता हूं, ऐसा अगर थोड़ी सी अपन जल्दबाजी करते हैं थोड़ी चलना शुरू हो जाती है। ये थोड़ा कुछ नहीं, देखो रूल है इसमें, ये नमी आसानी से आते नहीं, उल्टा ना उल्टा पानी झरने दो। ये फर्स्ट वायर इसका डायरेक्ट जाएगा, फेस वाला वायर थर्मोस्टेट के थ्रू आदि हो जाती है भाई साहब, कई चीज करते हैं दो साल में, और इसके बाद में इसे सीरीज में सेकंड थर्मोस्टेट कपड़ा मार्केट।